मौका लग गया इनकी जो चेहरे थे ना किसान आंदोलन के उनको टारगेट करया ना, इनका बैज था, कुछ लोगों का बैज नहीं था, बेल्ट नंबर नहीं थी। मैं आरएसएस के गुंडे हों या सरकार ने नू कर रखा था भाई ये तो पिटने हैं भाई, कि मैं तो कानून तक पीट दो कि मैं लठांगे ले पीट दो, हम तो यह मानना भाई हम टारगेट करे गए यहाँ। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। आप सभी को पता है कि खेदड़ धरने के ऊपर पूरे हरियाणा की जो नज़र है लगातार बन रही है कि आखिरकार पुलिस प्रशासन यानी कि डीसी साहब अभी तक है यानी कि हिसार प्रशासन क्यों नहीं धर्मपाल की डेड बॉडी दे रहा है। अभी तक लगातार 4 से 5 दिन हो चुके हैं, महापंचायत रखी गई है 13 तारीख की राम जी क्या कहेंगे जी सिक्कम जी इस पूरे मामले को लेकर के, यानी कि अभी तक जो प्रशासन है डेड बॉडी नहीं दे रहा धर्मपाल जी की, इसके ऊपर तो मतलब कहने का था तो कुछ बचे को नहीं। हाँ। आप भी नू देखो मतलब बंदा एक्सपायर हो गया उसका दाह संस्कार तो होता होगा, या पहली सरकार है जिसका मतलब बॉडी हम मांगने लग रहे हैं भाई हमने दे दो हम दाह संस्कार करांगे, पर दाह संस्कार का था सरकार का कब्जा है, मतलब पहली बार ऐसा लगा लोकतंत्र प्रजातंत्र कानून कुन सब कुछ इनती तो खुटिए टैंग दिया, मतलब मरे हुए आदमी ना हम फूक नहीं सकते, मारा है चोट मारा है, मारा है धारा 207 एक बात बताओ हम मारन किसने गए थे, खट्टर ने मारन गए थे, एक मोदी ने मारन गए थे, किसने मारन गए थे, मरा भी हम धारा भी हम लगवावा मारे मनस मरे हमने उसका दाह संस्कार का भी मतलब है वो कह रहे हैं कानून को नहीं मतलब वो देंदा कि भाई तो हमें इसका दाह संस्कार भी कर लो, इसके ऊपर कहने सुनना कुछ नहीं रहा, देश तो लिया बिक और देश का हो लिया नाश, ये तो लड़ना रमड़ना रह गया बचा कुछ नहीं। अच्छा जी, प्रशासन ने एक वीडियो जारी करी है वो कह रहे हैं ट्रैक्टर के नीचे कुचलने से किसान की मौत होगी धर्मपाल की जी। अच्छा, किसान लगातार कह रहे हैं कि भाई वो लाठी मारी है पुलिस प्रशासन ने तब मरे हैं, आप वहाँ मौके पर मौजूद थे सुनन महाजी जी आपको भी लठ लगे वहाँ पे, क्या मामला था पूरा? जड़ा मौका लग गया इनकी जो चेहरे थे ना किसान आंदोलन के उनको टारगेट करया ना, इनका बैज था, कुछ लोगों का बैज नहीं था, बेल्ट नंबर नहीं थी। मैं आरएसएस के गुंडे हों या सरकार ने नू कर रखा था भाई ये तो पिटने हैं भाई, कि मैं तो कानून तक पीट दो कि मैं लठांगे ले पीट दो, हम तो यह मानना भाई हम टारगेट करे गए यहाँ। एक बात बताओ वो महिला तो सारी 10 भी कौन थी, महिला पाइए को नहीं, महिला जो पुलिस कर्मचारी थी वहाँ नहीं मिली, जो आदमी थे वह लुगाइया का डंडे नू मारे थे, स्त्रियाँ तो मैसा का भी को नहीं मारते, इतने बुरे हालात हमने तो देखे पाकिस्तान पर बॉर्डर पर हमने देखा नहीं जी के हालात होंगे, पर खेदड़ पर बॉर्डर जिसे हालात ही सरकार ने पैदा कर दिए थे। रह गई बात धर्मपाल की, जो ट्रैक्टर के नीचे का सीन है ना जी वो बंदा आज भी हमारे बीच में है और वो जिंदा है, और यू जो एक्सपायर होया है यू धर्मपाल दूसरा है, तो यह तो सरकार का मतलब यू है भाई मारे मरने मारे पर धारा लागनी मारे पर ब्लेम करना। और एक बात बताओ जब इतने अच्छे हैं नहीं पासमोर्टम इनती करवा दिया इवट के पासमोर्टम उसका हम एक बार और करा लेंगे, झूठ का झूठ है सच का सच बराबर है जगह, या तो कोई नू तो कोनी भाई मान लो कोई नू तो है कोनी भाई कोई कुलड़ी में गुड़ फोड़ना है, सरकार का इतना वो है नहीं डर तो है नहीं, जब सरकार का डर है नहीं जब सरकार का डर नहीं तो फिर सरकार बॉडी क्यों नहीं देती भाई हमने, जब उनकी बह है नहीं किसी चीज़ का तो वह बॉडी क्यों नहीं दे रही, सोचने की बात है, यानी सरकार कहीं ना कहीं गुनहगार है और सरकार अपने गुनह को छुपा रही है। आपके भी चोट लगी थी? हाँ चोट लगी थी, मैं गिर भी गई थी क्योंकि वहाँ इतनी मात्रा में मतलब उनती बम फेंके हैं जो आंसू गैस के गोले हैं, इतना धुआंधार गेल गोली गेल बम विस्फोट वाला काम गेल पानी नुए समझ में नहीं आया, इतनी गर्मी अख हो के रहा है। ओड़ा जो नज़दीक की बात थी खाई खाई के अंदर बहुत सी महिला और कह कर बच्चे भी गिरे हैं, और वो गिरे हैं कि भगदड़ मच गई ऊपर को भी महिला निकली, इतनी बुरे हालात है। सरकार की तरफ से प्रशासन की तरफ से जो नुमाइंदे उनके वो कह रहे हैं कि भी कुछ लोग कह रहे हैं कि खेदड़ जो धरना वो गलत है, कुछ सही कह रहे हैं, आपकी व्यक्तिगत राय क्या सही है गलत? मेरे हिसाब से जी खेदड़ धरना उन तो हमारा सह को नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई है किसानी की MSP या मतलब जो हमारा कैथर कोई दिक्कत हो वह लड़ाई तो थी गाय की भाजपा सरकार की, पर हमने लड़नी पड़ रही है, जे वह गौआ ने खाना नहीं मिलेगा तो गौशाला वाले उनती बैर छोड़ देंगे, पर उनती गौआ ने संभाला कौन गा, किसान ने संभाल दाऊगा, और जे किसान नहीं संभालेगा तो नुकसान किसका करेगा, किसान ही का कर दियोगी मैं गऊ, तो फिर नुकसान डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसान का था, इसीलिए हमने यह लड़ाई लड़ी, और RSS की लड़ाई थी गौआ की, मारी लड़ाई कौन थी मारी तो यह मजबूरी की लड़ाई है कि भी हम ना तो गऊ तो हमारी माता है, एक धरती माता एक गऊ माता, हम तो बेरा है भाई हम हिंदू हैं, ये नुकाम हिंदू हाँ इन तब की लड़ाई लड़ा हाँ,
फिर जे इसी हिंदुत्व की लड़ाई करा हाँ तो आज इसी के बात आएगी अगर भाई उनका चारा भी खाना सरकार की मजबूरी आएगी, क्या सरकार के पास इतना भी पैसा कोनी अगर इस गौशाला ने ठीक ढंग तक चलांदी रहने देवे। जब शुरू में सरकार और गांव वाले के बीच में जो समझौते हुए थे तो अब ऐसी क्या समस्या आएगी कि भाई सरकार ने यह चीज़ मतलब खुद का टेंडर में लेनी पड़ेगी, तो गऊ तो लड़ाई तो सह सरकार की और लड़नी हमने पड़ रही है, वह हमारी मजबूरी क्योंकि हमने भाई हमारे खेत बचाने हैं, गेहूँ बचानी है, रोटी बचानी है, बेटी बचानी है, फसल बचानी है। और असल में तो सही पूछो ना, देश की लड़ाई भी किसान लड़ रहा है, देश बचाने की लड़ाई भी किसान लड़ रहा है, और तो कोई लड़े नहीं रहा, बाकी तो सारे बापू के बंदरा जू मुँह ऐ कान बंद करे बैठे। एक किसान है, चाहे पत्रकार की लड़ाई हो, चाहे गऊ की लड़ाई हो, चाहे एमएसपी की लड़ाई हो, चाहे गुलाबी सुंडी की लड़ाई हो, यानी कोई लड़ाई हो, लड़ाई हमने लड़नी है क्योंकि वो हमारी मजबूरी है, क्योंकि उसका सीधा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारा पे असर पड़ा है। बिल्कुल सिकम जी, कल एक महापंचायत रखी गई है खेदड़ गांव के अंदर, पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली को कॉल दी गई है कि सभी किसान वहाँ एकत्रित होंगे। लगता कि कल कोई एक फैसला लिया जाएगा सरकार के खिलाफ, शासन प्रशासन के खिलाफ, क्या इस मामले को सुलझाने के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? देखो, सरकार से बार बार बातचीत हो रही है, सरकार बिल्कुल टस्तमस नहीं हो रही, सरकार का दिमाग में पता नहीं के मतलब कीड़ा घुस रहा है, कोई डेड बॉडी देने के लिए तैयार नहीं, जो हमारे बच्चे चार अंदर हैं जिन पर 302 और 307 लगा रखी है उनकी अंदर से बाहर निकालने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो अब तो एक ही बात है, कल कोई बड़ा फैसला होगा और बड़ी कॉल होगी और जिसके ऊपर पूरा हरियाणा, हो सकता पूरा भारत को भी एक्शन लेना पड़ जाए। ये लड़ाई सिर्फ खेदड़ की नहीं, पूरा हरियाणा हो सका आने वाला टाइम में पूरा भारत की हो जाए, क्योंकि किसान मरण मारण तो डरदा को नहीं, एक धर्मपाल शहीद हो गया, दो चार और शहीद हो जाएंगे, हमारी मजबूरी है जी, हम पीछे नहीं हट सकते। ये हजार गऊआ ना हम कड़ा छोड़ा और कड़ा राखा, या एक बहुत बड़ी समस्या है, सोच कर देखो सरकार। यदि सरकार के पास इतना ही पैसा नहीं तो फिर बोर्ड के भीख मांगे लो, पाँच 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 रुपये, पाँच पाँच किलो नाच दिया था और दे देंगे, जमाए भिखारी हो ही पड़ी है, तो कदे याग नहीं पथ लिया हुआ, कदे कुछ लिया हुआ, इसने तो हमारा जीना आराम कर रखा है, कोई नस्ल पर लड़ाई, कोई फसल पर लड़ाई, ये गऊ की लड़ाई है, इस तरह पेंडा छुटेगा कि मैं और रच देंगे। एक एक बात बताओ, बाल संबंध चल रहे हैं, आज तक भी 2020 का मुआवजा को नहीं मिला, फिर ये कहें कि किसान तो पागल हो रहे हैं जी, करो नाड फसैले हैं भाई, तम फसैले हो ना मम फल, तू आगे करता है काम तो हमारे भी होंगे, बच्चे भी हैं, हमारा काम भी है, मामने सारी चीज़ है, पर यह जो लड़ाई है जब नू लग गए नहीं, ऐसा काम हो रहा इस देश में, तो जुगर श्रीलंका के हालात है, श्रीलंका तो सोना की लंका थी, वह तो बिकली, और हमारी सोने की चिड़िया थी, अभी कनाली है। तो भाई वीडियो देख लिया आपने, फिलहाल कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है कि क्या कुछ आप कहना चाहते हैं इस दो चार मुद्दों को लेकर के, अंत में कल की महापंचायत को लेकर के, आप एक किसान नेता है, क्या आप संदेश देंगे हरियाणा वासियों? मैं हाथ जोड़ के पूरे हरियाणा वासियों को एक ही संदेश देती हूँ, ये हमारी आखिरी लड़ाई है, यदि आप लोग कल ज़्यादा संख्या में नहीं पहुँचे तो ये लड़ाई हम जीती हुई भी हार जाएंगे, हमारा लड़ने का, मरने का, कटने का, हमारी शहादत का, हमारी चोटों का कोई फायदा नहीं, आपको आपकी गऊ माता बुला रही है और आपको खेदड़ में आना होगा, और खेदड़ में नस्ल और फसल की लड़ाई है, हमारी गऊ माता की लड़ाई है, उस लड़ाई को बचाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल महापंचायत में आइए और वहाँ से जो बड़ा फैसला होगा उस पर एक्शन होगा, ताकि ये निर्दयी सरकार जो हरियाणा की खट्टर सरकार है, खटारा सरकार है, इसको हिलाने का हम काम करेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय गौ माता। बिल्कुल, वीडियो देख ले भाई, फिलहाल कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोहेल गिंजार के साथ मैं जवाहर द्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।